मैंने घर में किसी को नहीं बताया कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, तो मैं अब घर जाके सरप्राइज दूंगा सब। प्लेन के पास पहुँच गया हूँ, ये देखें भी सारा प्लेन खाली है। गेट नंबर क्या है मेरा? चलें जी देखें, वो रहा बी नंबर। यस्मीना से बात हो रही है। चलें जी मैं पहुँच गया हूँ पाकिस्तान। इसे देख के हमें तुम्हारी याद आती है, ये तुम हो। बड़ी परेशान थी मैं कि जब जैसे जाना था ना कैसे जाएगा। तो चलें अब ऐसा है कि हैंड वॉश कर लिए हैं मैंने, अब खाना खाते हैं। जस्मीना ने मुझे सैंडविच बना के दिए थे, तो ऐसा है कि मैं ना साथ ना कोल्ड ड्रिंक लेके आया था, वो तो जाहिर है वो फेंक देते हैं, तो फेंक दी। तो अब मैंने यहाँ से पानी लिया है, और आप यकीन जाने ये जो पानी है ना, ये एक बोतल है तकरीबन 3.5 यूरो की है, 3.5 यूरो की बोतल पड़ी है मुझे, जो पाकिस्तानी आप फिर कहेंगे बिलाल भाई ऐसे करते हैं, जो तकरीबन पाकिस्तानी 1000 हैं, यानी कि 1000 की पानी की बोतल एयरपोर्ट पे है। तो चलें कोई नहीं, ज़रूरत है पानी पीना पड़ेगा, वरना तो काफ़ी टाइम है अभी, अभी तकरीबन 2-3 घंटे हैं जब मैं प्लेन में जाऊंगा, फिर प्लेन में मुझे पानी देंगे। तो उस्मीना ने मुझे बड़ा गुस्सा किया कि चलो लो पानी की बोतल तो मैंने ले लिया। तो चलें अब सैंडविच निकालते हैं, देखते हैं कैसे बने हैं। चलें जी ओए इसको निकालते हैं, ओए हो जैकेट भी मैंने यहाँ रख दी हुई है। सैंडविच कहाँ गए मेरे, फीस तो नहीं गए कहीं? इन्होंने सामान सारा निकलवाया था मेरे से ना, तो चलेंगे सैंडविच हैं। उसके अलावा काफ़ी माल है खाने पीने का, खा सकता हूँ मैं, क्योंकि जब मैं जर्मनी आया था ना मैं लेके नहीं आया कुछ, तो प्लेन में ना अजीब सा खाना था, मेरे से खाया नहीं गया। तो फिर समीना ने कहा कि इस बार आपने सब कुछ लेके जाना है, बिस्किट है 2-3 किस्म के, और ये चिप्स भी हैं। चलें और ये फट तो नहीं गया, वो ये तो फट गया यार, शिट। चलें कोई नहीं, अब जो हो गया हो गया, इसको बंद करते हैं। चलें खाना खाते हैं आराम से, बिस्मिल्लाह। 1000 रुपये की बोतल है ये, एक घूंट जो है ना वो 50 का है। पानी है यार, कुछ भी नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कोई नहीं है, अफोर्ड करना पड़ता है अगर आप इंटरनेशनल टूर पर जाएं। मैं कहता हूँ जितनी देर में खाना खा रहा हूँ ना यहाँ पर मैं चार्जिंग कर लूँ। ओए लगेगा ये, ओए लग गया, ओए लग गया, फ़ोन चार्ज होने लगा। अब चले अब खाना खाते हैं, बड़ा मज़े का खाना है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो को बोर्ड नहीं करते, क्योंकि परेशान तो मैं भी बहुत ज़्यादा हूँ। समीना की भी कॉल आई थी, तो उसने रो रो के हशर किया हुआ है, और अनफा भी कह रही है रो रही है, पता नहीं अब अनफा दूध के लिए रो रही है, यहाँ पापा के लिए रो रही है। बच्चे होते हैं अल्लाह की तरफ से, उनको पता ही होगा, जाहिर है फील होता है बच्चों को। देखिए कितने तरीके से समीना ने पैक किया माशाल्लाह, ये देखिए वाओ। समीना बहुत मज़े के हैं, थैंक यू सो मच। चलें जी प्लेन के पास पहुंच गया हूँ, तो फाइनली मैं प्लेन में बैठ चुका हूँ, जो है फ्रैंकफर्ट से दोहा। ये देखिए सीट नंबर 46, विंडो सीट नहीं मिली मुझे, ये देखिए विंडो सीट। बाहर बारिश हो रही है बहुत तेज़, ये देखिए अभी सारा प्लेन खाली है, कुछ कुछ लोग बैठे हुए हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, वरना मैं लोगों की प्राइवेसी का ख्याल रखता हूँ। अभी आ गया है खाना, देखते हैं इसमें है क्या। ये है वेजिटेबल पास्ता, ये कोई सैलड्स है, और ये मीठा भी केक है, ये कोई डेजर्ट है चॉकलेट वाला। चलें जी अब ऐसा है कि मैं पहुँच गया हूँ दोहा एयरपोर्ट, और अब आगे मैंने बैठना है लाहौर के। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ गेट नंबर क्या है मेरा, गेट नंबर मुझे ना जल्दी मिल गया B4। चलें अब मैं समीना को कॉल करता हूँ और उससे पूछता हूँ कि ठीक हुई भी है कि नहीं, क्योंकि रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। चलें जी देखें, वो रहा बी नंबर। ऐसा है कि मैं गेट के पास पहुँच चुका हूँ, यस्मीना से बात हो रही है। चलें जी अब लाहौर के प्लेन में बैठने लगा हूँ मैं।
चलें जी, मैं पहुंच गया हूं पाकिस्तान, अपने वतन में। जो इस मिट्टी में सुकून है ना, जहां इंसान पैदा हुआ है, इससे ज़्यादा कहीं सुकून नहीं हो सकता। पूरी तरह से खुशी तो होगी नहीं, क्योंकि समीना और अनफा नहीं है। और एक मज़े की बात यह है कि मैंने घर में किसी को नहीं बताया कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। तो अभी ऐसा कोई मुझे लेने नहीं आया, तो मैं अब घर जाके सरप्राइज़ दूंगा सबको। तो चले चलते हैं आज। देखें, सब लोग लेने आए हुए हैं सबको। आज ज़िंदगी में पहली बार मैं आया हूँ केला, लेकिन बात यह है कि मैंने बताया नहीं है, मैं सरप्राइज़ देना चाहता था। लेकिन सरप्राइज़ भी इतना नहीं होगा, क्योंकि समीन और अनफा ही नहीं है। लेकिन फिर भी अब मैं जाता हूँ घर, क्योंकि मैं चाहता था कि इतनी आएंगे वो इतनी मुश्किल से। फिर इन्होंने कहा उठ जाता हूँ मैं, तो देखता हूँ क्या होता है। तो चलें जी, घर पहुँच चुका हूँ, आप करता हूँ बैल। चलें अंदर चलते हैं। कैसा लगा सरप्राइज? सुबह का टाइम है, सुबह के 8 बजे हैं, तो अम्मी बस उठी हुई हैं। बैठो, सांस लो, सबको बताती हूँ मैं। अम्मी उठाने गई है सबको। वो आ गई हेल्पर हमारी, पर बाद में चला कि 8:30 हुए, मुझे नजर ही नहीं आया कि 8:30 हुए, 9:30 हुए। अगर मेरे पास चलता ना 8:30, फिर मैं समझ जाना था हो रही है, यहाँ पे पार्सल आया। सही हो? चलो अब नाश्ता मंगाए तुम्हारे लिए के सोने। अभी तो बस आया हूँ मैं, क्योंकि सफर का लंबा होता है, टाइम लगता है। थक चुका हूँ मतलब सफर से, तो बस आगे देखते हैं फिर क्या होता है। चलो जी, बिलाल पानी पी रहे हैं आप, पाकिस्तान का पानी पी रहा। 1.5 घंटे बाद नहीं, मैं थका हूँ इसलिए पी रहा है। अच्छा, और फिर 2 दिन सफर कर रहा हूँ मैं, 2 दिन हो गए। हाँ, 2 दिन हो गए। 2 दिन लग गए थे। बता तो ऐसा बंदा कि मैं निकल गया हूँ। नहीं, 1 दिन। हाँ, 1 दिन नहीं, हाँ 1 दिन लगता है, देखा जाए। 1 दिन दो रहते हैं ऐसे करके। पानी पिए फिर नाश्ता मंगवाते हैं हम, खा के लिए। ठीक है, क्या खाना है? जो तुम्हारा दिल करता है। चले कुछ आप? नहीं, अभी तो 9 बजे हैं। 11 बजे करेगा, अभी सो जाओ जाके। ठीक है, कल हो रहा है। हाँ, पानी पी लिया जाके अपने बेड पे सो जाके। हाँ, मैं बेड पर सोता हूँ जाके, अपने रूम में सोता हूँ। लेकिन चले कोई नहीं, अनफा भी आ जाएगी। तो पहले मैं चाय पी लेता हूँ, क्योंकि सर बहुत दर्द हो रहा है। चाय अम्मी बना दो। तो चाय से पहले गुलाब होती है आपके लिए स्पेशल। आज गुलाब का फूल खिला है बड़े लोग। एक ही खिला, वही तोड़ दिया इसने। बड़े खिले हैं तुम्हारे जाने के बाद। मैंने भी देखा एक था, आज एक ही। वैसे रोज वो भी तोड़ दिया है, अभी तोड़ना था। ये गुलाब का फूल हो तुम हमारे लिए, हमारा छोटा भाई। नहीं नहीं, ये गुलाब का फूल है। ऊपर ही था तो मैं सोचा गुलाब, इसे देख के हमें तुम्हारी याद आती है। ये तुम हो, खुशबू क्या, ये तुम लगते हो अम्मी को, तुम लगते हो। इतनी
चले कांटे चले जी आ गई चाय पहले चाय पियो फिर बाद में नाश्ता कुछ गुलदस्ता भी दे सके तुम्हें बताया ही नहीं वरना आते हम एयरपोर्ट पे तुम्हें रिसीव करने एक फूल बड़ी बड़ी चीज है बहुत खूबसूरत और बहुत ही खुशबूदार है चाय तो ये छोटा नाश्ता है बड़ा नाश्ता हम बाद में बताते हैं पहले आप ये खा लो ठीक है आप भूखे हो चावल पता नहीं ऐसा कुछ था लेकिन थोड़ा होता है ज्यादा नहीं होता थोड़ा ही सही है सफर के बाद ना थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं मेरे का शुक्र है अल्लाह का कि अब ना हमारे नफर बढ़ने हैं सारा लाल गया अपनी बेटी के पास और अल्लाह ताला ने करम किया सब कुछ ठीक ठाक हुआ है बेटी भी ठीक है समीना भी ठीक है बड़ी परेशान थी मैं कि जब जिसने जाना था ना कैसे जाएगा कैसे रहेगा और अल्लाह पाक ने सब कुछ ठीक कर दिया है थोड़ी सी है वो कि वो 8 दिन या 5 दिन बाद ना दोनों आ जाएगी वहाँ बेटी तो मैं फ्रेश हो चुका हूँ शावर लिया मैंने कपड़े चेंज किए और यहाँ पर ना गर्मी गर्मी से लग रही है क्योंकि मौसम चेंज हुआ है कंट्री के साथ वहाँ सर्दी थी और यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी है लेकिन फिर भी सर्दियों का मौसम है तो अपने मुल्क में आके अच्छा लग रहा है लेकिन क्या ही अच्छा होता कि समीना और अनफा मेरे साथ आती तो मैं कहता हूँ ज़िंदगी का सबसे हसीन लम्हात होने थे ये इंसान जितना मर्ज़ी आगे चला जाए कहता है ना इंसान कि मैं फलाने मुल्क चला जाऊँगा मैं ऐसे कामयाब हो जाऊँगा मैं ये हो जाऊँगा लेकिन जो सुकून अपने मुल्क में है ना अपनी मिट्टी में है वो कहीं नहीं आपको मिल सकता इसका मतलब ये नहीं है कि बंदा तरक्की ना करे इंसान करे लेकिन इंसान को ना अपने मुल्क से ज़्यादा प्यार हो जाता है दूर जाके तो यानी कि हम कहते रहते हैं ना यहाँ कुछ नहीं है यहाँ फलानी चीज़ नहीं है हालात नहीं ठीक है लेकिन नहीं जो फीलिंग जो मज़ा इस मिट्टी में है ना वो कहीं नहीं मिल सकता।